बात महाराष्ट्र की राजनीति की करेंगे। कल शिंदे सरकार का विस्तार होने वाला है, बड़ी खबर। सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। एबीपी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक जिन जिन नेताओं को कल शपथ लेनी है उन्हें अब फोन जाने लगा है। बीजेपी की ओर से अब तक चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन और राधाकृष्ण विखे पाटिल को फोन किया जा चुका है। तीनों ही बीजेपी के सीनियर नेता हैं। सूत्र कह रहे हैं कि कल 20 से ज्यादा मंत्री शपथ ले सकते हैं। एबीपी न्यूज सबसे पहले आपको महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार की हर खबर और मंत्रियों के नामों की लिस्ट दिखाएगा। चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल, ये बीजेपी के वो नेता जिनको फोन पहुंच चुका है, तो संभावित मंत्रियों को फोन पहुंचने लगा है। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत को 22 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर इस समय की, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत को 22 अगस्त के लिए जेल भेज दिया गया है। कंधे पर वही भगवा गमछा और उसी पुराने अंदाज में ईडी दफ्तर से निकलते संजय राउत गाड़ी तक पहुंचने से पहले हाथ उठाकर समर्थकों का अभिवादन करते हैं। पहले एक हाथ ऊपर उठाते हैं और उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मुट्ठी बांधकर हवा में लहराते हैं। पत्राचार घोटाले में गिरफ्तार चल रहे संजय राउत को 22 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया गया है। संजय राउत को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल भेजा गया है। संजय राउत की तबीयत को देखते हुए कोर्ट ने जेल में भी घर के खाने और दवाई देने का आदेश दिया है। राउत को दिल की तकलीफ है। करीब 1,000 करोड़ के पत्राचार घोटाले में राउत के परिवार तक पैसा पहुँचाने का आरोप है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।